हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, इन्हें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटीज यहां के डेफिनेशन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, देन जो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जस्ट फिजिकल क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन है, ठीक है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स होते हैं वो किस तरीके से जनरेट होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग बेस डिफाइंस फोर्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है जो फोर्स को डिफाइन कर रहा है? आपके पास ऑप्शन दे द राइट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। बेटा देखिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका जिसमें कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसको डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है एक्सीलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। ये होता है एक्सीलरेशन। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल जो पुश कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं फोर्स। ये जो डेफिनेशन है सेकंड ऑप्शन फोर्स के लिए यूज होता है। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखें, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी किसे कहते हैं? मोमेंटम को कहते हैं, इसलिए ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम किसे क्या कहते हैं? अपनी पावर अपॉन वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम लिखूं या एनर्जी अपॉन टाइम लिखूं, तो ये डेफिनेशन बता रही है किसकी? पावर की। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम ये पावर के लिए डिफाइंड होता है, तो ये पावर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसमें ना ये होगा कि आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, अगर आपने थोड़ी सी कोचिंग पढ़ी होगी तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? तो वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको बताएंगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी की डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से अगर आप ऑप्शन में देखें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हो या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बात सेम होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ऑप्शन सी देखिए, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम, ठीक है, यानी स्पीड में चेंज पर यूनिट टाइम, तो इसे हम वेलोसिटी नहीं कहते। द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? तो बेटा एक्सीलरेशन में आपको अभी डेफिनेशन बताइए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सीलरेशन, यानी वर्क अपॉन सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से एक्सीलरेशन का यूनिट निकला जो कहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। और यहां से एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी ये आप जो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following defines momentum? तो कौन सा momentum को define करता है? तो बेटा momentum is the product of momentum जो होता है ये होता है product of mass and velocity। जब हम mass को velocity के साथ multiply करते हैं तो ये होता है ये define करता है momentum। तो यहाँ से momentum का यूनिट हम define करते हैं, mass के लिए kg use करते हैं और velocity के लिए meter per second use करते हैं। तो kg meter per second is the unit of momentum। और यहाँ से आपने मुझे momentum की dimension बतानी है, ठीक है? यहाँ से आप मुझे मोमेंटम की डायमेंशन बताएंगे कि यहाँ से मोमेंटम की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, व्हाट इज द वर्क इन फिजिक्स? तो वर्क फिजिक्स में वर्क को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ऑप्शन ए, फोर्स अप्लाई इन एनी डायरेक्शन, अगर किसी भी डायरेक्शन आप फोर्स अप्लाई करें तो उसे वर्क नहीं कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर हो रहा है उसे हम वर्क नहीं कहते। फोर्स अप्लाई इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें, अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्प्लेस होता है, मतलब अपनी इनिशियल पॉइंट को चेंज करता है, इनिशियल प्लेस को चेंज करता है, तो उसे कहते हैं वर्क डन हुआ, मतलब यहां पर वर्क हुआ। तो इसके लिए वर्क के लिए फार्मूला पढ़ते हैं, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहां से आप यूनिट वर्क का निकालते हैं, वो होता है केजी मीटर स्क्वायर एट सेकंड माइनस 2। तो ये वर्क का यूनिट था, इसे हम जोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जोल। ठीक है, तो यहां से वर्क की डायमेंशन क्या होगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे डायमेंशन यूनिट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा,
जैसे आप थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप उसको खोलेंगे तो आपके लिए ये फायदा होगा। तो इसलिए ही मैं पूछ रहा हूँ कि बेटा इसकी डेफिनेशन मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ इज पावर डिफाइंड? तो पावर मैंने आपको बताया ना कि पावर जो होता है, पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कोई काम जो है कितने टाइम में हो रहा है उसे हम कहते हैं पावर। तो यहां से अगर मैं पावर का फार्मूला लिखना चाहूं तो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, या हम इसे एनर्जी अपॉन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है किसका, पावर का। तो पावर के लिए यूनिट हम पढ़ते हैं वाट। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। और यहां से आप पावर का यूनिट निकाल सकते हैं जूल पर सेकंड। ठीक है, तो जूल पर सेकंड इज आल्सो यूनिट ऑफ पावर। तो वाट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज प्रेशर रिफर्स इन फिजिक्स? तो प्रेशर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं फिजिक्स में? तो बेटा प्रेशर के लिए पढ़ते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करें किसी एरिया पे, ठीक है, किसी भी एरिया पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसे उस एरिया में क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है? प्रेशर जनरेट। तो यहां से आप यूनिट निकाल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाता है प्रेशर का। ठीक है, एक्सरसाइज हो जाता है प्रेशर का। और यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको ना ओपन करें तो यहां से आपको डायमेंशन भी मिल जाएगी इसकी प्रेशर। तो बेटा इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि प्रेशर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफाइंस एनर्जी? एनर्जी हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, द रेट एट व्हिच वर्क इज डन। ठीक है, द रेट एट व्हिच वर्क इज डन तो इसे एनर्जी हम नहीं कहते, इसे हम पावर कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट डेफिनेशन है वो है कैपेसिटी टू डू वर्क। टू डू वर्क तो इसे हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी की बेस डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो बेटा चलते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तो कितने ऑसिलेशन, कोई ऑब्जेक्ट कितने ऑसिलेशन मतलब कितने वाइब्रेशन करता है एक सेकंड में। तो जितने वाइब्रेशन एक सेकंड में करेगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर एक सेकंड में चार वाइब्रेशन, फोर वाइब्रेशन करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज होगी। अगर एक सेकंड में 5-10 वाइब्रेशन करेगा तो उसकी 10 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन भी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो या यहाँ पे ऑसिलेशन भी वर्ड यूज होता है तो पर सेकेंड। ठीक है, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी, मतलब जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकंड में होंगे उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का जो हम यूनिट लेते हैं वो होता है 1/T। इसका फार्मूला होता है मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, ये फ्रीक्वेंसी के यूज करते हैं। यहां से इसका यूनिट होगा 1/सेकंड। यहां से के लिए हम सेकंड पर इसका यूनिट पढ़ते हैं और इसकी डायमेंशन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टी इनवर्स। ठीक है, टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और सेकंड इनवर्स को हम हर्ट्ज भी के नाम से भी जानते हैं। तो हर्ट्ज इज आल्सो अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन भी देखें तो ऑप्शन है आपके पास फ्लो ऑफ एनर्जी इन कंडक्टर, यह तो नहीं होता। ठीक है, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो ये भी चार्ज को डिफाइन नहीं करता। उसके बाद प्रॉपर्टी या मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ, ये डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो ये चार्ज की डेफिनेशन है, आप इसे याद करिएगा, समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की बेटा डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसी भी टाइम के थ्रू जो
फ्लो करता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो आपके पास ऑप्शंस हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर है, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, या पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, तो ये नहीं है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो जिस रेट से फ्लो करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि IIM करंट के लिए यूज करते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, तो ये इसका यूनिट होता है, जिसके लिए हम यूनिट पढ़ते हैं कूलम पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो कूलम पर सेकेंड करंट का यूनिट होता है, और कूलम पर सेकेंड को हम एम्पेयर भी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट, कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज 1 एम्पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है हाउ इज मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइंड, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो बेटा अगर ऑप्शंस देखें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, ये नहीं है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होंगी, किसी भी क्रॉस सेक्शन, जैसे हम लें अगर ये, मैं अगर बोलूँ ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप डेफिनेशन किस तरीके से निकालते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछा जाता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन दे, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग डिफाइंस कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो बेटा अगर आप ऑप्शन देखें तो चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, करंट पर यूनिट वोल्टेज, या पावर पर यूनिट चार्ज, या करंट पर यूनिट सॉरी वोल्टेज पर यूनिट करंट, ठीक है। तो बेटा इसके लिए जो करेक्ट आंसर है कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस के लिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, किसी भी चार्ज को वोल्टेज से आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कैपेसिटेंस मिलती है, मतलब किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मिलती है। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, तो कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कैपेसिटर, और उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप यूनिट निकालना चाहें तो कूलम पर वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और इसका एक और यूनिट भी होता है, इसे हम फेरेड भी कहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड भी होता है, ये भी आप याद कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंसिटी, तो डेंसिटी हम किसे कहते हैं, तो बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी जो होता है, ये रेशियो होता है किसका, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, मास एंड वॉल्यूम का रेशियो जो होता है इसे हम कहते हैं डेंसिटी, और यहां से डेंसिटी का जो आप यूनिट निकालते हैं उसका यूनिट होता है kg per meter cube इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो इस तरीके से आप डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, तो बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो यहां तक ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, ठीक है, इसे आप याद करिएगा, समझिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स, के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट किस तरीके से निकालते हैं, चाहे वो SI यूनिट हो, CGS यूनिट हो, या FPS यूनिट हो, तो किस तरीके से आप यूनिट्स निकालते हैं, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ना इसके क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, तो इसे आप पढ़िएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम डायमेंशन को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, मतलब आपकी फर्स्ट ईयर की और इंटरमीडिएट की कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन लेंगे, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे, उनके यूनिट्स पढ़ेंगे,
और लास्ट में लेक्चर में आपको बता दूंगा जिसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यूज का भी पूछा जाता है, तो इस तरीके से हम कंप्लीट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स डिस्कस करूंगा, देन हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से एमसीक्यूज का सॉल्यूशन करें, एमसीक्यूज को समझें, ठीक है, और अपने पास ये लिखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट बहुत ही करीब है, तो इसलिए पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।